सो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो जियो फाइबर है वो जल्दी सभी सिटीज में रोल आउट होने वाला है, क्योंकि जियो ने अपनी कुछ सिटीज के नाम बताए हैं जिन सिटीज में सबसे पहले आपको जियो फाइबर देखने के लिए मिलेगा। जियो ने बताया कि वो धीरे धीरे से सभी सिटीज में रोल आउट करने लगेगा अपना जियो फाइबर कनेक्शन, जिसमें उन्होंने दो टायर बनाए होंगे, एक टायर वन और दूसरा टायर टू। फर्स्ट टायर में जो मैं आपको सिटीज बता रहा हूँ वो आएगी, और सेकंड टायर में जो अदर सिटीज रह जाएंगी वो सिटीज में आएगी। सो गाइस सबसे पहले आप मुंबई, दिल्ली, कोची, भोपाल और चंडीगढ़ में देखने के लिए मिलेगी जियो फाइबर की सर्विस। सो गाइस जो जियो फाइबर है ये IPTV टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, यानी कि आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस आपको देखने के लिए मिलेगी इसके साथ ही, जिससे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो जियो का फाइबर कनेक्शन आएगा वो IPTV कनेक्शन के साथ आएगा। तो जैसे ही आपको वीडियो को टाटा स्काई जैसे में देखने के लिए मिलती है वैसे ही आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, बट ये इंटरनेट के द्वारा होगा जो जियो फाइबर के कनेक्शन से ही आपको अवेलेबल होगा। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जल्दी रोल आउट होगा, और इन्होंने बताया कि ये रोल आउट होगा जो जियो फाइबर कनेक्शन है ये दिसंबर के एंड तक सभी जो सिटीज इन्होंने बताई है उसमें हो जाएगा, और इनमें जो बंडल आएगा जैसे आपको जियो फाइबर कनेक्शन मिलेगा उसके साथ ही आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस देखने के लिए मिलेगी। सो गाइज ये जियो की तरफ से न्यूज़ आ रही थी, सो गाइज मैंने आपको बतानी थी। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो जियो फाइबर कनेक्शन की स्पीड होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जियो फाइबर की कनेक्शन होगी वो 95.55 MBPS की स्पीड दिखा रहा है डाउनलोड की, और अपलोड की दिखा रहा है 93.58 MBPS। मुझे नहीं पता ये कौन सी लोकेशन में जियो ने अपना कनेक्शन टेस्ट किया हुआ है, बट इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। सो जो जियो फाइबर की स्पीड होगी वो 1 GB/s है, क्योंकि आप देख सकते हो इसकी डाउनलोड की स्पीड ही आपको काफ़ी देखने के लिए मिलती है, जो 1 GB से काफ़ी दूर नहीं है। सो गाइस यही मैंने को आपको बताना था, एक छोटा सा अपडेट मैं आपको चैनल पर देना था। आपको जल्द ही जियो फाइबर देखने के लिए मिलेगा, और किन किन सिटीज़ में मिलेगा सबसे पहले वो भी आपको मैंने बता दिया है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो जियो फाइबर का वेट कर रहे हैं और जियो DTH का, उनको तब पता चल जाए कि कब उनके सिटीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। थैंक यू।